और इसके अलावा हमने मजीद हिफाजत के लिए हदीस को नाजिल किया जिसमें सख्त मारका आराई है लेकिन लोगों के बहुत से फवायद भी हैं। तरी लफ्ज है कि लकद अरसलना रसूलना बिलबैनात, हमने एक रसूल नहीं बल्कि बहुत से रसूल, कसरत से रसूल भेजे और किसी रसूल को खाली दलायल से नहीं भेजा, और दलायल भी खफी नहीं रोशन दलील है। आप ये गौर फरमाएं कि रसूल आने के बाद तो दुनिया और इंसान का ये आलम है, और अगर कहीं कोई रसूल ना आया होता तो आज क्या आलम होता। इतनी इस्लाह के बाद, इतनी सही के बाद, इतनी रहबरी के बाद, इतनी हिदायत के बाद, इतने सिलसिले के बाद कि जिसको कायम रखा है, आज भी दुनिया का ये आलम है तो न मालूम अगर कोई रसूल मिन जाने बिल्लाह ना आता तो ये हजरत इंसान क्या होते। इसलिए कि यह मालूम है कि रसूल तालीम के लिए आता है, रसूल ऐसे उमूर की तालीम देता है जो इंसानी इक्तिसाब से बाला सर हैं, उस आलम की खबर देता है कि जिस आलम तक हमारे इदराक के शमें अपनी लौ नहीं पहुंचा सकी, और उस बज़्म की तस्वीर खींचता है कि जिस बज़्म का रंग हमारे जहन में जम न सका, और उस गुलशन की नखत लाता है जहां हमारी रियाजत को कोई वास्ता नहीं है। ऐसे आलम से जब वो खबर देने वाला खबर देता है तो तालीम के बाद जब ये आलम है तो बिला तालीम के आलम होता। इसीलिए तो आज देखा जा रहा है इल्म बख्ती है न मालूम इल्म बख्ता है या घटता है, तालीम बढ़ गई इल्म घट गया। सलवा
इसलिए कि अब तालीम का मुजाहरा कागज के वर्क पर है, सनद और डिग्री पर है, और पहले ये खजाना सीनों में होता, सीनों में नहीं है, अब हाथों में है। तो जब इल्म सीनों से हट के हाथों में आ जाए तो जो जबरदस्त हो वो छीन सकता है। इसलिए आप इंसाफ करें, अगर तालीम देने वाले अल्लाह की तरफ से ना आते तो आज हमारे अपनों की हुर्रियत का क्या आलम होता, और इंसानी जहन की परवाज कौन सा कितने रोजगार बरपा कर देती, और इंसान आज किस मंजिल में होता। लेकिन ये रहम व करम है और बंदा परवरी है उस माबूद बरहक की कि उसने कोई जमाना अपने मुअल्लिम से खाली नहीं रखा, और जब नहीं रखा तो मैं बस यही अर्ज करना चाहता हूं कि इतने 1,24,000 अंबिया आए और उन्होंने मुसलसल एक दर्स से वहदत दिया और एक तौहीद का सबक आलम को पढ़ाया, लेकिन आज तक आलम के इंसान मुवहिद बन न सके। पढ़ाने पर जब न बन पड़े न हो सके तो जहल में क्या हो जाते, बे बताए क्या हो जाते। बताने पर तो राह सूझनी चाहिए थी, लेकिन जब बताने के बाद भी गुम रहा है तो फरमाइए फिर कैसे कुदरत ये सिलसिला मुनकता कर दे। और ये क्यों हुआ, इसलिए कि अपने अकलों पर भरोसा है, अपने इदराक पर नाज है, अपनी तहकीक वजह नाजिश है, अपने कयासात हकायक के सागर में ढाले जाते हैं, अपने शुबहात को यकीनियात का दर्जा दिया जाता है, अपनी तहकीक को हक कहा जाता है। अपनी तहकीक को हक कहा जाता है, अपनी महदूदियत में गैर महदूद चीजों की समाई की हवस पैदा हो गई, और अपने जहल खाने के अंदर इल्म की मसनदें बिछाने का शौक पैदा हो गया, और अपने दिमागों को जो दुनिया से बसे हुए हैं, जो यहाँ के सौदाई हैं, उनको बाजार हश्र में लाने का शौक है, और जब यहाँ का सौदा भरा है तो उस बाजार में क्या रुसवाई होगी। इसलिए जरा सोचने की मंजिल है कि अक्ल का चराग बेनजीर चराग है, राहें जरूर नजर आती हैं, लेकिन जब चराग अपनी रोशनी देता हो और जब चराग के अंदर ताकत हो कि रहनुमाई कर सके, और जब वो न हो तो गलत मसरफ कर देने से अच्छी चीजें भी बेकार हो जाती हैं। कुदरत ने हमें कितने बेनजीर हवा से खमसा दिए, लेकिन जरा उनका मसरफ बदल के देखो, एक जरा बदल के देखो फिर क्या नसीबत होती है। जो चीज देखने की है वहां आंख बंद कर लो और कान पेश कर लो, उम्र भर यूं ही रहोगे मगर कभी नजर ना आए, और जो चीज सुनने की है वहां कानों में उंगलियां देकर बैठ जाओ और आंख से घूर घूर कर सुनो, देखो कभी जो समाज कदा बंश आबाद हो सके। और जो चीजें चखने की हैं उन चखने वाली चीजों को चखिए नहीं, हाथ से टटोल के छोड़ दीजिए, कभी जो जायका मालूम हो। ये क्यों, इसलिए कि चीजों के मसरफ मुअय्यन है, तुमने जब मसरफ बदल दिया तो उनका फायदा खत्म हो गया, और जब फायदे खत्म हो गए तो ये मसारिफ कौन बताए कि किस चीज का क्या मसरफ है। सलवार कौन बताए कि क्या मसरफ है। एक सबसे जबरदस्त चीज आपके पास जौहर अक्ल है, कोई शुबह नहीं, बेबहा चीज है, बेबहा जौहर है, जिसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती, और यही वो है सदस्य बशरियत में गौहर कि सारी आबरू इसी की मुट्ठी में है, और अगर इसे जरा अलग कर दीजिए तो कोई कीमत इंसान की नहीं रहती, शक्ल सूरत सब रहती है, अकल नहीं है तो बज़्म में बिठाने के काबिल नहीं है। सलवार अकल नहीं है तो बज़्म में बिठाने के काबिल नहीं है, भाई भाई से गुरेज करता है अगर बेअकली शुरू हो जाती है, और अगर जुनून की सनद मिल जाती है तो खराबत काम नहीं आती, अजीजदारी काम नहीं आती, हम नशीनी काम नहीं आती। सलवार सलवार दीजिए के अकल का चराग है जो बज़्म में इंसान को रूशनास करता है, और आलम मलकूत तक शोहरे जिसके हैं वो आपके आजा और जवारे के शोहरे नहीं हैं, आपके दिरहम और दीनार के शोहरे नहीं हैं, आपके सीम और जर के शोहरे नहीं हैं, आपके मुल्क और माल और जाह जलाल के शोहरे नहीं हैं। अगर कोई चीज वहां पूछी जाती है तो अकल की रोशनी होती है,
कि जिसको फितरत अपने हाथों पर लेकर चलती है और मलकूत मुनव्वर होने लगता है तो मलाइका झुक के देखने लगते हैं। जिस कदर तेज हो समय अक्ल उतनी ही फलकी परवाने टूट के आते हैं और उतनी ही जमा होते हैं। और जब ये चराग ही मध्यम हो जाए रोशनी ही गुल हो जाए और आप इस पर आदतों के फानूस चढ़ा दें, रस्म रवाज के हांडियों में रख दें और अपने तजवीज करदा महदूदियत के अंदर उसे आप महदूद कर दें तो अक्ल पर इल्जाम नहीं है। अक्ल का मतलब तुमने बदला और जब मतलब बदला तो अक्ल अपना काम नहीं करेगी। इसलिए कि आंख का मतलब बदल के कभी मसलूआत सामने नहीं आए और कभी मजलूकात सामने नहीं आए। तो अकल का अगर मतलब बदल गया तो यकीन करें आप कि कभी इंसानी अकल कामयाब नहीं होगी। मैं बताऊं अकल का क्या मतलब है, आप मुझसे ज्यादा अकिल हैं, ज्यादा आप मुझे बताएंगे। अकल का मतलब यह है कि दो और दो दुना चार और चार दुना आठ, और ये लिया और वो दिया, इसे धोखा दिया उसका माल लिया, इसको चरका दे दिया, सियासी बन गए, दुनिया कमा ली, ये है अकल। सलवार गलन सलवार भेजिए। ये है अकल का मतलब। लेकिन आप माफ फरमाएं, जो हमारी अकल में आए वो तो ये मतलब, लेकिन सवाल यह है कि हमारी बज़्म में कुछ वो लोग थे जिन्होंने अकल के आईने पर हिकमत की सैकल की थी और वो हुक्मा मशहूर हुए, और जिन्होंने रियाजतें की थी और वो रियाजत करने वाले अपनी अकलों को इतना मसफा बनाकर आईना करके लाए थे कि जिनमें आलम बाला की तस्वीरें छप रही थी और हकायक के जलवे नजर आ रहे थे। उन क्या कौल तो मानिए, हम सब आकिल हैं, क्या शैफुर रही ताकिल न था, बू अली सीना आकिल न था। आज भी उसका कानून हमारी जिंदगी का दस्तूरुल अमल है, आज भी उसके लिखे हुए नुस्खे शफा बख्श हो रहे हैं, आज भी बताए हुई तदबीरें उसकी तस्वीर से मदद के लिए खजिर साबित हो रही हैं, आज भी कानून शायद कोई नस का खत न खेच सका और न कोई उसे मिटा सका। ऐसा मुसल्लम हकीम और एक मरतबा आकर वो अक्ल के मसरस को बताता है। सलवा दे दिए तुम्हारा। अक्ल का मसरस बताता है, वो मसरस बताता है और लिखता है कि वल अक्लो वल अक्लो आलतुन उत्तयत लिकामतिल उबूदिया लाल इदराकिर रुबूदिया। लोगों इस ख्याल में पड़े हुए हो, अकल एक आला है, एक जरिया है जो करीम ने तुम्हें अता किया है, जो वाजिब ने कादिर मुतलक ने दिया है। मगर ये किस चीज का आला है ये समझो, जिस चीज का आला होगा वही चीज इससे हासिल होगी और वही चीज तुम इसे हासिल करो। क्या चीज है, लिकामतिल उबूदिया लाल इदराकिर रुबूदिया। अकल आला इसलिए दिया गया है कि तुम सही तौर पर इसके जरिए से अपनी बंदगी कायम करो। सलवात मोहम्मद। आस्था से समाज फरमाइए, अकल एक आला है, वो सेहत जो अता किया गया खालिक के जानिब से, क्यों लिकामतिल उबूदिया, ताकि इंसान अपनी अब्दियत और बंदगी को सही मेयार पर कायम करे। लाल इतरा फिर रुबूदिया, ये आला इसका नहीं है कि अल्लाह के बारे में गौर शुरू कर दो, ये यहां के लिए बना है वहां के लिए नहीं है। सलावात मोहम्मद। अब आपने गौर कर लिया कि इतना बड़ा हकीम फैसला कर रहा है कि तायरे अकल के बालों पर में ये दम नहीं है कि परवाह करके आसियाने रुबूबियत पर चपकें, बल्कि उनका काम यह है कि वो इंसानी हदूद में रहकर और अब्दियत की मंजिलों को इतना सज दें कि अबूदियत मुकम्मल हो जाए, तो अब्दियत की बस्ती उजाड़ और आसियाने रुबूबियत की तरफ हरेक का नजारा जो राय कायम करता है वो अल्लाह पर कायम करता, अपने पर कायम नहीं करता। खुदा को ये करना चाहिए, खुदा को ये बनाना चाहिए, खुदा ने ये क्यों किया, खुदा ने वो क्यों किया, और कभी अपने को नहीं देखता कि तुझे क्या करना चाहिए, तुझे एतराज करना चाहिए, उसे सुन लेना चाहिए। अलवा
मुझे एतराज करना चाहिए और उसको सुन लेना चाहिए। ये उसका हिल्म है जो तुझे जसूर बनाए हुए, और ये उसकी बंद परवरी है जो तेरे अंदर जुरत की रगें फड़क रही है, और ये तेरा जहल है जो ऐन इल्म से लड़ रहा, मगर तू जाहिल होकर लड़ता है। वो अगर बराबर का जवाब दे तो फर्क क्या रह जाए, इसीलिए इल्म वाले चुप हो जाते हैं। काम रबूबियत के लिए न इदरा के रबूबियत के लिए, रबूबियत की वसत कहाँ और अकल का मुख्तसर सागर कहाँ, इसके अंदर रबूबियत के जलवे आ जाए नामुमकिन है कि आ सकें। लिहाजा मतलब बदलने वाले जितना भी अल्लाह के बाद में गौर करेंगे ठोकरें खाते चले जाएंगे। पलट के जरा देखो कारखाने उबूदियत आबाद हुआ या नहीं, देखो इस्लाम का फर्ज बिछा या नहीं, देखो ईमान की मसनदें लगी या नहीं, देखो तलाक के मसले आए या नहीं, देखो ज़कात की थैलियां खुली या नहीं, समझो जिहाद की शमशीरें खींची या नहीं, देखो मकारे में अखलाक की बदने सजी गई या नहीं, घर उजड़ा हुआ दूसरे के घर की फिक्र है। अरे हुजूर वाला पहले अपने घर में चराग जला लीजिए, उसके बाद मशहूर है कि मस्जिद में जाइए। लेकिन अपना घर तो अंधेर भरा हुआ है, गोशे गोशे में कहीं इंसानियत की सूरत नजर नहीं आती। अखलाक ने इस तरह छा लिया है हमारी मंजिलों को कि हमारी मंजिलों में इंसानी सूरत का जमाल इस तरह मिट के रह गया है कि जैसे क्या करूं कि वो हसरतें दफन हो जाती हैं कि जिनके लिए दिल तड़पता है। इंसानियत हो और जौहर इंसानियत न हो, बशरियत हो और गौहरे बशरियत न हो, शजर हो और समरे बशरियत न हो, दरिया हो और आबरुए बशरियत न हो, चमन हो और नखते बशरियत न हो, अरे दिल हो और आरजुए बशरियत न हो, ये भी कोई बशरियत है, ये भी कोई इंसानियत है। ज्यादा देखें आप, बड़ा बेनजीर है जौहरे अकल, बड़ी कीमत है, बड़ी कीमत है। रहा इसे बाजारों में फरोख्त न कर दी, रहा अजनबी के हाथ बेच न डालिए। अरे नाशनाब जिसके घर में दौलत हो हीरा न पहचानता हो और बच्चा हो शीशों में मिल के हीरा मिल जाए तो उसे क्या पता है कि ये क्या जौहर है। एक मुट्ठी लेगा बाजार में जाएगा शीशे का भाव बेच डालेगा और मिठाई खा के चला आएगा, उसे खबर तो नहीं है कि क्या है जौहर सनात नहीं। रहा अपनी अकल के जौहर को पहचानिए और हर कसम नाटक के हाथ में फरोख कीजिए, किसी जौहरी के हाथ दीजिए कि जो जौहर पहचानता हो, और अगर जौहर शनाख्त होगा तो इतनी बड़ी कीमत देगा कि आलम में कोई दे न सके। आलम में कोई न दे सकेगा और इससे ज्यादा बाला पर कोई कीमत लगा न सकेगा, बशर्ते कि जौहर अकल पर जंग न आया हो, बशर्ते कि जौहर आदत के धब्बे न आए, बसरते कि जब आईने अपन पर रत्न रवाज के दाग न लगे, बसरते कि माहौल ने असर न किया हो बल्कि माहौल पहरा दे। अगर ऐसी अकल है तो खुदा जानता है ऐसी अकल की कीमतें क्या कोई लगाएगा, कोई आप हो तो कीमत लगाए, वरना नाशनाथ कुछ न समझेगा और उसे कुछ नहीं मालूम होगा। अरे हुजूर ये जौहरी नहीं, वो गौहर नहीं पहचानता, वो सदक का दान लगाता क्योंकि जौहर समाप्त नहीं, लेकिन जो जौहरी है वो नजर लड़ी रहती है, कान में बात पड़ी रहती है कि ये गौहर है, इसकी कीमत और ही है। वो अगर ले लेता है तो ताजे शहाना की जीनत बनाता है और वो खलानों में रखता है, और मामूली नाशनाथ लोग न पूछिए उनके नजरिया में कोई कीमत नहीं। हो सकता है कि तुम किसी को मामूली इंसान समझ रहे हो, मगर जौहर शनाथ कह रहा है कि इसके जौहर के हम परखने वाले हैं, और जब हम परखते हैं तो हम इसको पसंद करके अपनी रेजा दिए देते हैं और जौहर लिए लेते हैं। तो अब मालूम हुआ कि अकल इकामत के लिए लाओ इतराव फिर रबू दिया, मगर इसी के साथ ये फकरा भी, ये इस किस्म का अर्ज करना आम गौक के मुताबिक नहीं है, मगर अकाश है इसलिए अर्ज कर रहा हूं। आम गौक तो मुझे भी मालूम है आपके अखबार से पढ़ते पढ़ते,
हमारा मकाम पर कुछ न कुछ सुन्नदार की उस्ताद मुझे मालूम ही है, मगर मैं हर उस्ताद में घिरना नहीं चाहता। इसलिए मैं आगाज कलाम में अर्ज कर रहा हूँ और आप उनसे जाएंगे। जब अपन इकामा-ए-उबूदियत के लिए अगर इकामा-ए-उबूदियत कर दिया अकल ने तो फरीजा अकल खत्म हुआ, और जब अकल का फरीजा खत्म हुआ तो वाहिबुल अताया अपना कर्म शामिल करे, और जब वो शामिल करे तो फिर इकामा-ए-उबूदियत को अगर सही कर दिया है इस इकामत के बाद फिर उस अकल को जमीन पर नहीं छोड़ता, फिर पानी पर नहीं रहने देता, फिर सजाओं में नहीं रहने देता, उठा के अपने हाथ से काबा का हुसैन की मेहराब में रखता। अल्लाह रब की आवाज देता है सुभान अल्लज़ी अस्रा बिआबिदिही। देखा आपने इकामा-ए-उबूदियत ऐसा किया जमीन पर, बात पहुंची आसमान पर। यह इकामा-ए-उबूदियत, और जब इकामा-ए-उबूदियत कर चुका फिर अल-उबूदियतो जौहरतुन कुन हुर-उबूदिया, यही से आवाज बुलंद हुई कि उबूदियत वो जौहरा है कि जिसकी सत्य बात इन रुबूबियत हो जाती। अब मालूम हुआ कि उबूदियत किसी की इतनी बुलंद हुई कि जब उसों का इम्कान खत्म होने लगा तो आईना होके हैरत में रुक गया, और जब हैरत में रुक गया तो उदनू मिलनी के चीटे दिए जाने लगे, और जब ये तमीरें बहाई गई तो फिर अदना बात में राज रह गई। बड़ा बलंग फलवाते हैं, अब ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना नहीं, जुमला मुतरजा दरमियानी बात थी। अब तो करना यह है कि लिहाजा ऐसी अकल हमारी कि जिस पर हमें नाज है, जिस पर हम आफिल हो कला के वजन में हैं, ऐसी अकलें हमारी क्या हुई? अकलें हमारी जब गिरफ्तार आदतों की जंजीरों में हो गई और भेड़ियां आदात की अकलों में पड़ गई तो ये मुसाफिर जो दूर तक जाने वाला वो अपनी ही गिर्द चक्कर लगा कर रह गया, और जब अपने ही हुदूद में रह गया तो अब अपनी आदतों का नाम अकल रखने लगा, फितरत अफसुर्दा दिल होकर देखने लगी, और अकल बिगड़ कर आदतों के अंदर आकर ऊंच पैदा करके आदात का नाम अकल रखा। अब हमारे अंदर दोनों जज्बे पैदा हुए, फितरत झिझोर रही है कि कुछ और है, और अकल की आदत कह रही है कि नहीं कुछ और है। इन दोनों की कशमकश में जब जहन इंसानी मुब्तला होता है तो उस वक्त का मारका सर करना बड़े मुजाहिद का काम होता, हर एक का काम नहीं है कि वो इस मारके को सर कर ले। ऐसे मौके में इंसानी अकल तकरार और इनकार के दरमियान में आ जाती है, आदत कहती है ये मान ले, अकल कहती है वो मान ले, आदत और अकल में जंग होती है, फितरत बढ़ के आदत की कुमक पहुंचाती है, फितरत उभरती है, आदत दबाती है, एक मारका शुरू हो जाता है। इस मारके में जो कामयाब हो गया क्या कहना उस मर्द मुजाहिद का, और जो इस मारके में हट गया मैदान छोड़कर वो आदत का असीर बन गया, अकल का चराग बुझ गया, अकल का नाम आदत रखना शुरू किया। ऐसे मौके में आप देखिए फितरत कहती है कि अल्लाह को मान, सलावात। बिगड़ी हुई आदत कहती है न मान, इसलिए कि रवाज यही चला आ रहा, हमारे बुजुर्गों ने न माना हम माने, सलावात। अरे बुजुर्गों ने न माना तो हम माने, क्या मुंह दिखाएंगे बाप दादा को, क्या जवाब देंगे? दुनिया कहेगी नंगे खानदान हो गए, पूरा खानदान से अल्लाह को मानता नहीं था, एक आप निकले हैं अल्लाह के मानने वाले। तो भाई अंगुष्ट नमाई से बेहतर है कि खानदान में मिल जाओ, चाहे हक छूट जाए मगर खानदान न छूटे। ज्यादा इस बिना पर, इस बिना पर अकल कहती है, फितरत कहती है, हर कोई बनाने वाला कि जो तेरा रब है, जो माबूदे बरहक है, लेकिन बिगड़ी हुई आदत मानने को तैयार नहीं। अब दोनों जज्बे जब मवाज होते हैं, एक मतलब मुबल्लिग आकर कहता है कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, देखो अल्लाह को मानो, फितरत मुस्कुराती है कि मेरा मददगार तो आ गया, आदत बिगड़ती है कि मानना नहीं, मैं बहुत दिन तेरे ताकत में हूँ, बहुत दिन से आदत में हूँ, बहुत दिनों में आदत एक दो दिन में नहीं पड़ती, हुजूर मुद्दतों में आदत पड़ती, एक दो दिन में आदत कहीं होती है, 10-20 वर्ष गुजर जाते हैं
तब कहीं आदत आके मुस्तहकम होती है। लिहाजा आदत वाला फितरत के मुस्कुराने से हटने वाली है। आदत ने कहा नहीं नहीं मेरी बात भी रहे, फितरत ने कहा मेरी बात भी रहे। अब हुजूर दोनों के बीच में होता क्या है, अल्लाह न मान फिर क्या मान, लात मान, सलवात इंशाल्लाह खुश होंगे आप, आहिस्ता आहिस्ता मैं सुना रहा हूँ। अल्लाह न मान मगर बिल्कुल न मान तो फितरत ना रहा, और बिल्कुल मान लो तो फिर आदत के खिलाफ। अब दोनों के बीच में मानो अल्लाह न रहे कुछ हर्फ ले लो, लात कहना शुरू करो ताकि दरमियानी रास्ता बने, दरमियानी रास्ता बने। कुछ आवाज ही से दरमियानी रास्ता बन रहा था, उसने आवाज दी, तुम हरेक के बंदे नहीं हो, खुदा के बंदे हो जो अजीज। उनका अगर अजीज ही मान लिया तो मोहम्मद की बात हो, तो आदत नाराज हो जाएगी। जरा उधर की भी बात रहे इधर की भी बात रहे, क्या रहे, उज्जा मानो, उज्जा मानो ताकि कुछ हर्फ दिखाने के रहे तो, कुछ जाहिर में दिखाने वाले हर्फ रहे, सूरत बदल के मान लो, आदत की भी बात रह जाए, फितरत का भी तकाज़े रह जाए। उसने आवाज दी, अरे वो मन्नान है, इसका कुल मानने तो फिर वही ना हो जाए, मगर मानना भी मुरव्वत से जरूरी है। अच्छा ठीक होता है हुज़ूर, दिल न चाहे और मुरव्वत मनवाए, तो फिर एक दरमियानी रास्ता ऐसा होता है कि बगैर मुबारकबाद के चारा नहीं जी चाहता मन्नान मानने को, कल मन्नान खुदा मन्नान है, फिर क्या न मानो छोड़ दो, ये भी तो मुमकिन नहीं है, आखिर फितरत भी तो चौंका रही है, मानना जरूरी है, फिर क्या मनात मान लो, देखिए मनात मान लो, देखिए बिल्कुल न मानते जब भी एक सुई हो जाती, कुल मान लेते जब भी खुशा बहाल होता। ये क्या कयामत है कि कुछ मानो और कुछ न मानो, ये बड़ा खतरनाक रास्ता है कि कुछ मानो और कुछ न मानो, फलाया कुछ मानो और कुछ न मानो, यही अरब का खुसूसन अरब की दुनिया का दस्तूर बन गया। और उसने इस तरह पर तौहीद को भी इकरार किया, और तौहीद का इकरार नहीं भी किया, अमरन बनल अमरन दरमियान में रखा, कुछ माना और कुछ न माना। अब मैं क्या कहूँ इसके बाद हुजूर वाला, अगर बिल्कुल फितरत न होती तो तालीम देने का मौका होता, फितरत मौजूद है तकाजा कर रही है मानने को तैयार नहीं, आदत न बिगड़ी होती तो बड़ा अच्छा मौका होता, मानने वाले कोई ऐसा भी मिला कि जिसकी आदत बिगड़ी न हो, जो इब्तदाई से ऐसी गोद में पाला जाए कि जहाँ से हकानियत का परचम लहरा रहा हो और जहाँ से आदत बिगड़ने का ख्याल ही न हो। अजी हमारी आपकी आदत बिगड़ेगी लेकिन मोहम्मद की आदत तो नहीं बिगड़ सकती, आपकी आदत पर कोई मुस्लिम धब्बा नहीं रख सकता, अगर इन्हीं की गोद में कोई पाला जाए फलाहा तो बहस तलब न रह जाएगा और न गौर की बात रह जाएगी। मगर मैं अपने नबी से अर्ज करूंगा, या रसूलुल्लाह बड़ा जमाना गुजर गया तौरात से परत का, आपने बड़ी जबरदस्त तबलीग भी फरमाई और आपने सब चीज पेश कर दी, लेकिन आप बदलाव बताइए, ये है अरब, ये अरब हैं, आप एक नहीं इनको हजार लाख करोड़ नहीं अरब मर्तबा बताइए, मगर ये मानने वाले नहीं हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। और मैं जब नहीं मानेंगे तो मैं एक लफ्ज़ करूंगा अदब से, हुजूर कैसे माने मुद्दतों से ये लात के आदि हो गए, मुद्दतों से ये लात के आदि हो गए, अब ये बात से नहीं मानेंगे। हुजूर लात का आदमी कहीं बात से माना, तो या रसूल अल्लाह आप फिर बात न पेश कीजिए, बात न पेश कीजिए, बल्कि उसके साथ कुछ और भी, मैं जानता हूँ कुरान अल्लाह की बात है, देखना कब तक ये इधर की उधर की बातें, कल दे दूंगा मैं अपनी फौज का आलम
किसे दे दूंगा? रजोलन मर्द को दे दूंगा। लो पहले ही पहरेदार लवराई मजमे का चेहरा उतारने लगा। खत्म हो गया किस्सा। शाम को हदीस कही, रात को नखल मनकबत आप यारी खुलूस से इतना बहा कि गुल सुबह जब सगुफ्ता हुआ तो सजात के फूल भी महकने लगे। और जब वो वक्त आया है कि सहर हो तो दरीचे फलक से खुर्शीद खावर ने सर निकाला, अरे खेमे से पैगंबर आलम लेके निकला और मैदान खैबर में दोहरी तलातें होने लगी। जल दौड़ के धूप ने सुनहरी फर्श बिछा दिया और पैगंबर ने अल रायत हाथ में लेकर रायत जफर आए बीच में मजमे के खड़े हो गए। मतिन बे नजीर हाशिया न पूछो सलवार मोहम्मद। एक मरतबा लेके रायत को हाथ में, ये ताकत और कुव्वत की जगह थी, हमारे अहबाब ने दो जुमला कह दिया एक ही जुमला सही, तो ये एक जुमला मैंने पढ़ दिया बस सलवात मोहम्मद। राइट हाथ में लेकर एक मरतबा निगाह मुरसल सारे चेहरों को देख रही न पूछिए बयाज वजह पर, वो हसरत की तहरीरें थी। अल्लाह जानता है कि सारी तहरीरें पढ़ ली मगर देखा तहरीर सब है नुकता नहीं। आवाज दी अली इब्न अबी तालिब, कहाँ सब नजर आते हैं अली नहीं, कहाँ है? बस या अली तू वो है जिसे नबी ढूंढ रहा। हमारे फख्र के लिए काफी हमने उसे ढूंढा है जिसे पहले नबी ने ढूंढा। मैं पैगंबर ढूंढ रहा है, मुरसल आदम ढूंढ रहा, लेकिन सब है और वो नहीं। जब नहीं तो बुलाया सलमान गुजर आओ जाओ लाओ। मुख्तसर करना है हुजूर। चले सलमान बड़े बूजर पहुंचे पैगंबर के भेजे हुए लोग। देखो फजीलत वो है कि लेने नहीं आते बुलाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, खुद नहीं आते कि आके ले लें, नहीं बुलाइए, पाले गए हैं उसी गोद में हुजूर। जो खुद मेराज में नहीं गया सवारी भेजिए तो आऊं, मुलाजिम खादिम खास भेजिए तो आऊं, नहीं भेजिएगा अपने घर सो रहा हूं। आखिर नाज उठाया भेजा बुलाया हलवार मोहम्मद। नाज उठाया उसी के घर तो ये भी पैदा हुआ, मैं अपनी जगह पर मैं क्यों जाऊं? बुलाइए खादिम खास भेजिए तलब कीजिए आ जाऊंगा हलवार मोहम्मद। चुनाचे वही हुआ हुजूर, दो गए बुलाने और जब दोनों गए बुलाने तो उस वक्त आए हैं मेराज में एक ही आया था बुलाने सलवार मोहम्मद। जब लेके चले हैं तो शान मेरे मौला की सीधन थी, खुदा जानता है मेरी अकीदत है मुझे हक है उनकी मदहक, इसलिए मैं मदह करता हूँ। शान देखने के काबू एक तरफ सलमान बूजर और बीच में ख्वाजा कंबर और इरादा बसुए पैगंबर बहुक में दावर। और जब चले तो क्या मालूम होता था? मालूम होता था जोशन कबीर इधर जोशन सगीर इधर जनाब अमीर बीच में। क्या फरमा रहे हैं खुदा जानता हो। और मजमा मेरे से आलत मुंतजिर,
ऐसा हालत, पूरी जमात मुंतजिर। काहे के मुंतजिर? अब आए, वो आए, वो आए। पता जानता है नजर वाले क्या क्या चूक रहे होंगे, चूक रहे होंगे ना। जो गुबार उठा वो आए, नहीं नहीं वो नहीं, वो आए, वो आए। तो कयामत बर्पा होगी जब तक नहीं आए, इंतजार। जब तक नहीं आए इंतजार, और हुजूर इस इंतजार में नबी भी शरीक। इस इंतजार में नबी भी शरीक। अकेली जमात, अकेले इंतजार करने वाले लोग नहीं, तमाम सहाबा, तमाम फौज, तमाम लश्कर सब इंतजार कर रहा है, और उनके साथ पैगंबर इंतजार कर रहा है। अगर बुरी चीज है इंतजार तो क्यों नहीं कोई रोकता? तो खुदा के रसूल आप भी इंतजार करते हैं? कोई बोल देता मजमे में से, या रसूलल्लाह इंतजार न कीजिए वरना आगे बड़ा फितना हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आज इंतजार कर लूं ताकि कल चश्मक न हो कि क्या मुंतजिर बैठे हैं। सलवार इंतजार करते रहे, बस इंतजार करते करते आखिर वो वक्त आ गया कि जब का दामन चाक हुआ, जर्रे बेकरार होके उठे कि बूतराब आया। जब का दामन चाक हुआ गोया गिलाफे काबा हटा, सदफे काबा शक हुई, दीवार काबा में दर बना, सामने जमा ले है दर बना। जब आए हैं तो नबूवत की आंख, इमामत का चेहरा, खुदा के रसूल देख तक देखिए इबादत होती जाएगी। फिर इंतजार किया, और जब उन्होंने इंतजार किया तो माफ कीजिएगा अब चंद मिनट और बाकी है, इसी में मैं खत्म करूंगा। एक सलावत मोहम्मद वाल। जब इंतजार कर चुके, आज अगर हम मुंतजर हैं, जमाना जरा सोचे, तारीख के आईने को देखे, तारीख के आईना देखोगे तो हम भी इंतजार करते गुजर गए, और ईसा वहां मुंतजर, यहां हम मुंतजर, दो इंतजार के बीच में इमाम मुंतजर। वो वहां से आएंगे, हम अगर किस्मत ने यावरी की तो यहां से जाएंगे, और देखने का मंजर होगा कि गुजरी हुई नबूवत वाला है या जिंदा इमामत वाला, दोनों मौके हमारे सामने इंशाल्लाह। और वो जमाना होगा जो रजहत का जमाना आएगा, जिस जमाने में क्या जुलेखा का शबाब पलटा होगा, जो मोहम्मद के दीन की जवानी पलटेगी। सलावत मोहम्मद, जो जवानी पलटेगी, और जवानी पलटनी चाहिए क्योंकि कदम से कायम है। इंशाल्लाह जब जहूर फरमाएंगे तो शबाब होगा, जो चेहरे की बलाएं ले रहा होगा, और जो कुर्बान हो रहा होगा, जवानी इनके कदम छोड़ दे, छोड़ दे तो जाए कहां हुजूर, कहां जाए, जन्नत में जा सकेगी बगैर इनके कदमों के? यह जवानी ने आलम से घबरा के कायम का कदम पकड़ लिया। सलवार मोहम्मद वाल। शबाब लिपटा हुआ, जमाना पलटेगा, मोहम्मद का दीन सब से गर्व तक होगा, कलमा इस्लाम होगा, दीन इलाही होगा, इबादत माबूद होगी, कोई और नहीं होगा। अल्लाह का वो दौर वो होगा कि जिस दौर को खुदा ही जाने की क्या आजमत होगी। हसरतें हैं जिन हसरतों को हम आप कहां पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो खुशकिस्मत हैं कि जो कब्रों से उठ के आएंगे और जो इमामत के जमाल का नजारा करेंगे, जिनकी दिली हसरत दीदार पूरी होगी, उनसे पूछिए कि उनके क्या आलम होंगे, और क्या वो वक्त होगा, क्या बेनजीर मौका होगा। ये बिल्लाही तेर बेनियाम होगी, हमजा के सिपर दोष से उतरेगी, रसूल का रायत हाथ में होगा, फरहरा खुलेगा, हवा चलेगी, मुखालिफ हवा बंद होगी, लुफ्फ बारी की नसीम चलने लगेगी, और जो जो नसीम चलेगी गुल नरगिस खिलता चला जाएगा, नरगिस खिलता जाएगा, शमीम हक से आलम का मशाम मुअत्तर होगा, और तमाम बातें हो जाएंगी, और वो वक्त होगा। बस यहाँ से आप देखें 10 मिनट आ गए हैं, 10 मिनट में और पढ़ूंगा। सलावत मोहम्मद, यहाँ से गौर कीजिए, वो वक्त आएगा कि शायद ये कम लोगों ने सुना है, मैं जरूरत नहीं करता, मगर अकीदा जरूरी है, अपनों को सुना दें। हर शख्स कहाँ मुतालिया करता है, हालात उसे मालूम नहीं होते, तो इसलिए मैं सुनाई देता हूँ।
कि हुजूर जोर फरमाएंगे और जोर फरमाने के बाद जंग होगी आलम में, और आपसे एक मारे का आराई होगी और बड़ी सख्त मारे का आराई होगी, जिस मारे का आराई में मदद होगी कि अल्लाह ताला कुमक भेजे और मदद भेजे, अल्लाह की तरफ से नुसरत के लिए। अब क्या सामान होगा जब कायम आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम आपके लिए जंग के मौके में नुसरत की जरूरत होगी, तो हमारा तीसरा इमाम कुदरत हुसैन को भेजे और आप आएंगे कायम आल मोहम्मद की नुसरत करेंगे, और इस नुसरत करने के बाद फतह याब होंगे, और फतह याब होने के बाद अब वो वक्त आ जाएगा कि जिस वक्त में वो वक्त भी आना चाहिए कि दर्जे शहादत का जो मंजिलत है वो इस इमाम अली मकाम को भी मिले। तो जब इस इमाम अली मकाम के लिए ये दर्जा रफिया मौकूफ है इस पर, तो हदीसों में है कि आप भी शहीद होंगे। अब आप सोचेंगे कौन शहीद करेगा, कौन कौन न कहिए, ये तारीख सब बता देगी। अंदाज शहादत क्या होगा कि आप एक तरफ से गुजरेंगे, बाला खाने से कोई एक पत्थर गिराएगा, उस पत्थर से जख्मी होंगे, वही जख्म जरिया बनेगा आपके इंतकाल का, इस जरिए से कुदरत मरतबे शहादत इस इमाम को भी देगी। और जब आप शहीद हो जाएंगे तो अब दफन कौन करेगा, वही करबला का मजलूम, क्योंकि इमाम हुसैन आ जाएंगे, आपकी रजत होगी, लिहाजा आप दफन फरमाएंगे। मैं तो ज्यादा न पढ़ता, अगर यहां न पढ़ता होता तो अब इसके बाद मुझे पढ़ना ही न पड़ता, मगर इतना कर दूं कि मेरे मजलूम इमाम जब आप दफन कर रहे होंगे तो करबला का ख्याल तो आ जाएगा कि आज आपको इतना मौका है कि आप आखिरी इमाम को खुद दफन करें, कब्र में उतारें। उस वक्त अगर कोई पूछे मौला अली अकबर को भी दफन कर सके, मेरे मजलूम अब्बास को भी दफन कर सके, हे मौला करबला में तो सारे लाशें पड़े रह गए, मेरे आका तेरा ही कोई दफन करने वाला न था। एक मंजर गुजर जाएगा, और जब ये मंजर गुजर जाएगा तो हुजूर फिर इमाम हुसैन से जंग शुरू हो। अभी आलम पाक नहीं हुआ, आपको हदीसों की खबर मैं सुना देता हूं, जिनसे आपको दरियाफ्त करना हो मुझसे लिख के दरियाफ्त करेंगे, मैं किताब वगैरह का सब उनको हवाला भेज दूंगा, लिहाजा सुन लें आप इस वक्त। तो जब ऐसा मौका आएगा तो सैयद शुहदा से भी मारका होगा, और जब ये मारका होगा तो अब इस मारके में क्या होगा कि इस मारके में जब आपको फिर मदद की जरूरत होगी तो अमीरुल मोमिनीन आएंगे, अब आप हुसैन की मदद को आएंगे, और आके हुसैन के साथ आपको मदद होगी इलाही, और हुसैन के साथ अमीरुल मोमिनीन आकर अब गलबा हासिल करेंगे। मेरा जी चाहता है कि मैं आपको सुना तो चुका, मगर ये पूछ लूं आका अब आए हुसैन की मदद कर? और जिस दिन हुसैन फरियाद कर रहे थे कि हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो मुझ मजलूम की मदद करे, तो आका क्या मसलहत थी कि उस दिन मजलूम की नुसरत को आप ना आए? आएंगे सैयद शुहदा और आएंगे अमीरुल मोमिनीन और इमाम हुसैन की नुसरत करेंगे, और फिर मारका वही जारी रहेगा। जब यह मारका और तूल खींच जाएगा और बढ़ जाएगा, तो रवायतों में है कि सैयद अकबर जनाब पैगंबर इस्लाम अब खल्लाक आलम उनको भेजे, और जब वो आएंगे तो नूर का हरबा हाथ में लेकर, और अब इबलीस देखेगा और अब इबलीस भागेगा, साथी कहेंगे कि अब कहां जाता है, अरे अब तो फतह करीब है, वो कहेगा अरे आ गए वो जिनको मैं देख रहा हूं, और हमारा पैगंबर उस नेजे से उसको जद लगाएगा और वो नेजा उसके पश पर लगेगा, उस दिन इबलीस खत्म होगा, और जब खत्म हो जाएगा तो अब यौम वक्त मालूम वही होगा कि जो कुरान ने बताया है, और जब वो इबलीस खत्म होगा तो अब सारा आलम दीन मोहम्मदी का पाबंद होगा, क्योंकि शैतान का फितना खत्म होगा और शैतान के मानने वाले खत्म होंगे और यह किस्सा खत्म होगा। और जब हमारा नबी आ जाएगा, और बाबे नजर जरा सुनना, 2-3 मिनट में ज्यादा नहीं है, और जब आप तशरीफ फरमा हुए तो आपके सब अहले बैत तो अइमा वापस किए गए, अब 12 इमाम आ गए, नबी बीच में है और इमाम सब सामने है। दुनिया से जाने के बाद आलम जाहिर में आज नबी अपने घराने को देख रहा, मुड़ के देखेंगे अली को,
पलट के देखेंगे हुसैन को, गौर से देखेंगे हसन को, सामने देखेंगे इमाम जैनुल आबिदीन को। हर इमाम सामने होगा, और जब सामने होगा तो अब आपसे अर्ज करूं, सुन तो रहे हैं आप, क्या इमाम खड़े होंगे और उनके किनारे एक तरफ एक बीबी, मैंने नाम नहीं लिया इसलिए कि हमारे दिल जख्मी है, सैयद आलमी एक तरफ खड़ी होंगी, आप खड़ी होंगी, एक मरतबा नबी पलट के कहेगा बेटा इधर आओ बयान करो क्या हुआ, फिर दादारो सुनोगे सुन लोगे सब, तो सैयद आगे बढ़ेंगी, बाबा क्या कहूँ आपके बाद क्या गुजरी, मैं बता दूं बस खुलासा ये कि मेरी शहजादी अजब नहीं पढ़ गए सुबह पता नहीं है मसाब लो अन्ना सुबह लैया भी फिर न लिया लिया बाबा वो मुसीबतें पड़ गई कि अगर दिनों पर पड़ती तो रात हो जाते। अब मुसीबत फातिमा जहरा सुनकर नबी का क्या आलम होगा, आप अंदाजा कर लीजिए, पैगंबर बेकरार हो जाएगा, और जब बेकरार होगा तो मुड़ के पूछेगा या अली तुम्हारा क्या हाल ना, अमीर मोमिनीन अपनी सारी मुसीबत बयान करेंगे, और जब बयान करेंगे तो बुलाएंगे हसन तुम्हारा क्या हाल, और कहेंगे नाना दिल के टुकड़े हो गए, और जब हसन की दास्तान सुन लेंगे अरबाब मजीद अपना दिल पर हाथ रख लो, बुलाएंगे मेरे हुसैन बता तेरा क्या हाल हुआ, अरबाब नजर हुसैन अकेले नहीं आएंगे, करबला के बात इंशाल्लाह रोएंगे, आप सुन तो लीजिए, आखिर आए हैं आप मजलिस में, मैं अपने अंदाज में आप पेश करूं, जब नाना पूछेगा हुसैन बताओ क्या हुआ, तो बुलाएंगे नाना ये हबीब है देखिए, ये मेरा मुस्लिम न्यासगा है देखिए, जब साहब को तक जाएंगे तो कहेंगे नाना अरे ये मेरा आलमदार जिसके सुहाने कार दिए गए, अरे दरिया पर आलम ठंडा हुआ। बस हुजूर अगर इसके बाद कहीं मौका आया और कह दिया नाना एक आपकी सूरत अल्लाह ने दी थी, जब मुश्ताक होता था आपका तो उसे देख लेता था, नाना ये मेरा अली अकबर है, और एक मरतबा मुड़ के कहेंगे नाना अरे ये कासिम को तो देखिए गौर से पामाल हो गया, और बाब नजर हुसैन का बयान करबला की दास्तान, हम और तमाम अइम्मा मौजूद सब नबी मौजूद, क्या आलम होगा गौर करो। बस मैं पढ़ चुका एक फिकरा पढ़ता हूँ, जब याद रखना जब तुम्हें रोना है सोच लेना, बस हुसैन यहाँ तक पहुँच के कहने पाएंगे और कह लेंगे कि बताऊ अब क्या कदम होगा, एक मरतबा जनाबे खदीजा गोद में लिए हुए कुछ और नदी के सामने आएंगी और आके गोद खोलेंगी, ये क्या है, अरे ये अली असगर, अरे उर्मिला ने तीर मारा बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया, नाना ये मेरे बच्चे में बहुत ही गलू है, मोहम्मद और बाबे नजर मैंने खत्म तो कर दिया, आप रो भी लिए, मुझे तो खत्म कर देना था, मगर मेरा जी ये चाहता है कि आपके दिमाग में कोई बात रह न जाए, अरे आप शायद ये कहें पोता का फातिमा ने क्यों नहीं पेश किया, अरे फातिमा किसको किसको पेश करे, क्या फातिमा की गोद खाली है, अरे लिए हुए शिकार।